हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। 240 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर यानी कि 240 फ्रेम पर सेकंड से ज्यादा फ्रेम रेट में जब स्लो मोशन कोई डिवाइस कैप्चर करता है तो उसे सुपर स्लो मोशन कैटेगरी में डाल दिया जाता है और 960 fps को ट्रू सुपर स्लो मोशन कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पे 4 मिड रेंज के डिवाइसों के बीच में सुपर स्लो मोशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिड रेंज के डिवाइस है उनमें ट्रू 960 fps स्लो मोशन दिया नहीं जा रहा, लेकिन कहा जाता है कि 960 fps ये दे रहे हैं। तो आज हम Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy M30s और Realme X3 के बीच में सुपर स्लो मोशन टेस्ट परफॉर्म करें और आपको ये बताएंगे कि ये चारों में से सबसे अच्छा सुपर स्लो मोशन कौन दे रहा है, किस में आपको फ्रेम ड्रॉप का सामना करना पड़ जाएगा, कौन कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है अलग अलग सिचुएशंस में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन की बात करें जहाँ चारों ने लगभग सिमिलर वर्क किया था, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कैमरे की तरफ मूव हो रहा था, ये पहली कंडीशन है। पहले Redmi या MI के डिवाइसों में हमें सुपर स्लो मोशन यानी 960 fps जो ये कहते हैं, एग्जैक्ट 960 fps नहीं होता, ये 240 fps या 480 fps को कन्वर्ट करके 960 तक ले जाते हैं, जिसके कारण हमें पहले जब कैमरे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा था या कैमरे से दूर ऑब्जेक्ट जा रहा था उसमें बेंडिंग्स देखने को मिल जाती थी। लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 960 fps है वो चारों का ही काफी स्मूथ है, जिसमें Samsung Galaxy M30s में हमें 480 fps के आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि यहाँ पे जो वीडियो की स्पीड है आप देख सकते हैं M30s में काफी तेज है कंपैरिजन वाइज अदर 3। इसके बाद हम आगे अलग अलग कंडीशन और सिचुएशन में वीडियो फुटेज कैप्चर करते चले गए सुपर स्लो मोशन में। तो जब आइडियल कंडीशन की हम बात करें यानी कि ऑब्जेक्ट ना ही कैमरे की तरफ मूव हो रहा था ना ही कैमरे से दूर हो रहा था, बस अपनी पोजीशन से नीचे गिर रहा था या ऊपर जा रहा था, इन कंडीशंस में हमें Redmi K20 Pro Realme X3 में फ्रेमिंग्स देखने को मिली। आप देख सकते हैं जो वाटर का फ्लो है वो काफी स्मूथ है Note 8 Pro और M30s, हालांकि M30s में स्पीड थोड़ी तेज है, ये अप्रोक्स 480 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वीडियो कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे Note 8 Pro और Samsung Galaxy M30s में हमें स्मूथ वीडियो देखने को मिला, कलर रिप्रोडक्शन भी इनका काफी एक्यूरेट था, जबकि Realme X3 और K20 Pro में हमें कुछ वार्म टोन देखने को मिला और फ्रेमिंग्स भी देखने को मिल रही थी, यानी कि यहाँ पे कुछ अटकता हुआ वीडियो दिख रहा था। इसके अलावा अगर हम अपने नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें, नेक्स्ट फुटेज की बात करें, तो ये भी आइडियल कंडीशन की थी, यानी कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ना ही कैमरे की तरफ मूव हो रहा था ना ही कैमरे से दूर जा रहा था, तो भी इन कंडीशन में Note 8 Pro और K20 Pro में हमें बेंडिंग्स देखने को मिल रही थी जो फ्रेम ड्रॉप को छुपाने के लिए हैं, जबकि Realme X3 और Samsung Galaxy M30s यहाँ पे ज्यादा स्मूथ वीडियो शो कर रहे थे। जिसमें आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, क्वालिटी और कलर रिप्रोडक्शन K20 Pro का लगभग आपको सारी फुटेज में ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमने काफी सारे यहाँ पे वीडियो कैप्चर करे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस मिली जहाँ K20 Pro ज्यादा डिटेल के साथ ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था और काफी एक्यूरेट स्लो मोशन बना रहा था, और इसी जगह पे M30s, Note 8 Pro और Realme X3 को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे कॉइन की बात करें तो कॉइन वाले वीडियो में सबसे ज्यादा स्मूथ M30s था, हालांकि फास्ट था लेकिन काफी स्मूथ था। इसके बाद हम बोल सकते हैं Redmi का K20 Pro, Redmi K20 Pro में हमें आप देख सकते हैं डिटेल काफी अच्छी देखने को मिल रही है, फोकस स्पीड काफी अच्छी है इसकी। सेम कंडीशन में जब हम Note 8 Pro से वीडियो कैप्चर कर रहे थे तो 90% वीडियोज हमें ब्लर ही मिले हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रहा था, उतनी डिटेल कैप्चर नहीं कर पा रहा था, और कुछ इसी तरह का Realme X3 में देखने को मिला। हमें कुछ इसी तरह की वीडियो फुटेज देखने को मिल रही थी जिसमें बेंडिंग्स Note 8 Pro और K20 Pro में देखने को मिल रही थी, Realme X3 में भी हमें बेंडिंग्स तो नहीं लेकिन फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहे थे, और M30s लगभग हर एक फुटेज में काफी स्मूथ था लेकिन फास्ट था। इसके साथ साथ डिटेल लगभग हर एक फुटेज में K20 Pro काफी अच्छी कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा था, कलर रिप्रोडक्शन K20 Pro का ज्यादातर सिचुएशन में काफी एक्यूरेट था, Realme X3 का भी कुछ सिचुएशन में काफी एक्यूरेट था, Note 8 Pro का भी और M30s का भी, लेकिन M30s कुछ कुछ सिचुएशन में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर को काफी ज्यादा फेड कर रहा था कंपेरिजन वाइज अदर 3, और यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिला। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए कि 960 fps या फिर सुपर स्लो मोशन के नाम पे जो स्लो मोशन दिया जा रहा है उसमें क्या चारों में से किसी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी या चारों ही यहाँ पे फेक सुपर स्लो मोशन दे रहे हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टीवाईजे वर्ल्ड।